अपनी सेहत से मुतालिक मुस्तनद डॉक्टर्स की राय जानिए। ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम रजिस्टर्ड डाइटिशियन आयशा नासिर, करंटली वर्किंग एट कॉस्मिक स्टूडियो एंड रेनबो ओबेसिटी सेंटर। आज का हमारा टॉपिक होगा इस्बगोल के फ़वाद के हवाले से। एक फ़ायदा तो जो इस्बगोल का हम सब जानते हैं वो ये है कि ये कब्ज़ में काफ़ी मुफीद साबित होता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है, इस्बगोल उसको रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर इस्बगोल का गलत इस्तेमाल किया जाए तो ये कॉन्स्टिपेशन कर भी सकता है। बेसिकली इस्बगोल के साथ पानी का इस्तेमाल अच्छा होना चाहिए। अगर पानी का इस्तेमाल इसके साथ सही नहीं है तो ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगा, ये कॉन्स्टिपेशन को बढ़ा देगा। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं, वो मेरे पास आते हैं आके कहते हैं हम तो पूरा साल से इस्बगोल इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन कॉन्स्टिपेशन का मसला वही है, बल्कि अब पाइल्स यानी कि बवासीर जो है वो होना शुरू हो गई है, इतना ज़्यादा उन्हें कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है। ऑल दो वो साल से इस्बगोल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसकी वजह यही होती है कि वो गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इस्बगोल के साथ कोशिश ये करनी है कि आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। इसको पानी में डाल के जल जब ये बन जाए, अगर आप इसको पानी में डालें आप देखेंगे थोड़ा फूलना शुरू कर देता है। जब ये थोड़ा फूल जाए इसको तब लेना चाहिए ताकि वो अंदर जाके एज अ लेग्जेटिव काम करे, रादर देन के वो अंदर जाके दीवारों से जो हमारी स्टोमिक की लाइनिंग है उसके साथ चिपक जाए और कॉन्स्टिपेशन को मज़ीद बढ़ा दे। अगर इस तरह से नहीं पसंद, क्योंकि वो जेल फॉर्म में बच्चे भी नहीं पीते, टीनेजर्स भी उसको इतना पसंद नहीं करते, तो फिर ये करना चाहिए मुँह में एक चम्मच इस्बगोल रख के ऊपर से एक गिलास पानी पिए और उसके बाद फिर एक गिलास पानी पी लें, यानी दो गिलास पानी के साथ आपको एक चम्मच इस्बगोल का उस केस में इस्तेमाल करना है। और ये सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के लिए नहीं मददगार बल्कि डायरिया में भी काफ़ी ज़्यादा मुफीद साबित होता है, लेकिन उसका तरीका ज़ाहिर है फिर डिफरेंट होता है। अगर किसी को डायरिया का इशू है तो उसे चाहिए कि एक कप दही के अंदर एक चम्मच इस्बगोल डाल के इस्तेमाल करें, ये उसको डायरिया को बेहतर करने में हेल्प करेगा। ये मोशन की रेगुलेट करने में, उसको ठीक करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। वैसे भी डायरिया में कुछ खाया पिया नहीं जा रहा होता, वाटर लॉसेस ज़्यादा हो रहे होते हैं, तो उस केस में दही भी काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। वो अंदर जाके हीलिंग करता है और उसके साथ इस्बगोल जो है वो मोशन को आप कह सकते हैं कि थोड़ा नॉर्मल करने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस्बगोल फाइबर है और फाइबर जो है वो हार्ट हेल्थ के लिए वैसे ही बहुत अच्छा होता है। 40 जिन लोगों की उम्र 40 या 40 से ऊपर हो गई होती है उन्हें चाहिए वो वैसे भी इस्बगोल का, चाहे कॉन्स्टिपेशन का मसला है या नहीं है, वो वैसे भी इस्बगोल का इस्तेमाल करें ताकि उनकी हार्ट हेल्थ बेहतर रह सके, ताकि वो दिल के अमराज से बच सकें। इसके अलावा जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसे चाहिए वो उसी वक्त दो चम्मच इस्बगोल पानी में डाल के ले ले, उसी वक्त ब्लड प्रेशर थोड़ा नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर को उसी वक्त लोअर डाउन करने में, उसी वक्त नीचे लेके आने में भी इस्बगोल का बहुत हाथ है। और इन द लॉन्ग टर्म अगर देखें किसी को ब्लड प्रेशर का मसला रहता है तो उसे चाहिए वो बाकायदगी से इस्बगोल का इस्तेमाल करें ताकि ब्लड प्रेशर के मसले से छुटकारा पाया जा सके। शुगर के पेशेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि जब आप फाइबर लेते हैं तो पेट काफ़ी देर भरा रहता है, तो शुगर के पेशेंट्स जो अनहेल्दी चीज़ें खा रहे होते हैं या जो इधर उधर से बार बार वो जिसे कहते हैं मंचिंग कर रहे होते हैं, स्नैकिंग कर रहे होते हैं, ये उससे भी बचाता है। और वैसे भी फाइबर है, इसमें कैलोरीज कम से कम है, ये शुगर को रेगुलेट करने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा अगर हम देखें इस्बगोल जो है वो अगर रात को सोने से पहले किसी को बेवक्त भूख लग रही है, जिन लोगों को बार बार खाना खाने की आदत होती है या जिन्हें रात को एक दफ़ा सो गए फिर उठ के उन्हें होता है कि अब हम कुछ खा लें, तो वो दूध में इस्बगोल डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, सेहत भी उनकी अच्छी रहेगी, उससे पेट भी भरा रहेगा। अब सबसे बड़ा फ़ायदा जो इस्बगोल का आता है वो आता है वेट लॉस में। जो लोग वज़न कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं उनके लिए इस्बगोल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें कैलोरीज ना होने के बराबर हैं और पेट काफ़ी देर से भरा हुआ रहता है। सुबह उठ के इस्बगोल का इस्तेमाल किया जा सकता है या रात को सोने से पहले या दिन में किसी भी टाइम जब उन्हें लगता है कि वो इस टाइम पर बोर होकर खाना खा लेंगे या भूख नहीं इतनी लग रही मगर वो उस टाइम पर खाना खा रहे होते हैं, या उन्हें जिन लोगों को बिंजिंग की आदत होती है वो इस्बगोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें फिर चाहिए कि वो खाने से एक घंटे पहले इस्बगोल इस्तेमाल कर लें ताकि खाने के वक्त वो बहुत ज़्यादा खा ना लें। इसके अलावा जिन लोगों को तेजाबियत का मसला होता है, जिनको मेदे में जलन फील हो रही होती है, वो भी इस्बगोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एसिडिटी के लिए बहुत सारी चीज़ें फ़ायदेमंद हैं लेकिन इस्बगोल जो है वो एसिडिटी को कम करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो स्टोमिक में एसिड रिलीज़ हो रहे होते हैं उसको नीचे लाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है।